मेहता का उल्टा चश्मा। देखो भाई भिड़े, मोबाइल को कोसने से कुछ नहीं होगा। देखो मित्रों, बात यह है कि विज्ञान के हर आविष्कार की अपनी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों हैं। मोबाइल भी विज्ञान का एक आविष्कार है। अब ये हम अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपनी परेशानियां बढ़ाने के लिए, तो हम पे निर्भर करता है ना। हमारे बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल हमारी परेशानियां बढ़ाने के लिए करते हैं। कैसे? समझाता हूँ। ये देखिए। डाकू जेठालाल। डाकू जेठालाल? डाकू जेठालाल? मेरे को दिखाना, मेरे को भी दिखाना। दिखा दिखा दिखा। अरे दिखा जेठालाल। नहीं नहीं दिखाओ। अरे दिखा। हाँ तुम देखो, तुम देखो। अरे अरे जेठालाल, मेरे को दिखाना, एक बार तो दिखा जेठालाल। अरे भाई जेठालाल अय्यर इतने रिक्वेस्ट कर रहा है, दिखा दो दिखा दो। अब हंसना तो बंद करो, अभी हंसो। क्या हुआ, हंसी क्यों रुक गई अय्यर? क्या हुआ भाई अय्यर, क्या हुआ? ये इसकी वजह से। अरे लुगाई चल ले। अय्यर को जोकर बनाया। वैसे बनाने की जरूरत नहीं थी। और किस किस का बनाया जेठालाल? हाँ है ना, देखना। एक मिनट, ये देखो। पिड़ू, और पिड़ू तो दसिया नहीं, और बिड़े मास्टर से रिंग मास्टर कब हो गया भाई? किसका है, बिड़े का है? दिखा दिखा भाई, दिखा दिखा दिखा। बिड़े भाई, अरे भिड़े इसमें उदास होने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जो चीज भगवान ने तुमसे छीन ली वो बच्चों ने दे दी। आराम से, आराम से, आराम से भाई। इसको देखो कितनी हंसी आ रही है, देखो। बस बस पोपटलाल, बस आराम से, आराम से। पोपटलाल एक मिनट, भिड़े का एक और फोटो दिखाता हूँ। दिखा दिखा, जल्दी दिखा। ये देखो। पोपटलाल की फोटो है? ए, बताओ 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 बताओ। पोपट के सर पे सिंह? गधे के सर पे सिंह गायब हो गए, पोपट के सर पे आ गए। ओ मास्टर। वैसे देखो दोस्तों, जोक्स अपार्ट, लेकिन ये सब देखने के बाद तो के बच्चों ने इस मोबाइल का दुरुपयोग करके इसे खेल बना दिया। तो और तो और मेहता साहब, बच्चों ने गोकुलधाम सोसाइटी की औरतों को भी यह मोबाइल की लत लगा दी है। क्या बात है माधवी भाभी, आजकल आपका चेहरा बहुत ज्यादा ही चमक रहा है एकदम। सच्ची बबीता जी, चमकेगा ही ना। आजकल दया भाभी मुझे ब्यूटी टिप्स के SMS जो भेजती है उसका असर है। वैसे राय भाभी, आपके SMS बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू, पर सच में मोबाइल बड़ी काम की चीज है, बहुत काम की। ये तो है, मोबाइल बहुत ही काम की चीज है। एंड ऑल थैंक्स टू टप्पू सेना कि उन्होंने इतने सारे एप्लीकेशन हमें कितने कम टाइम में सिखा दिए। खरे खरा। और सबसे बेस्ट बात क्या है कि अगर हम बिजी हैं तो बिना मिले भी एक दूसरे को मोबाइल पे देखकर बात कर सकते हैं।
सच्ची? और सुनिए सुनिए, हम सबके फोन में एप्लीकेशन है, आप मोबाइल टू मोबाइल कैमरे के जरिए एक दूसरे को देखते देखते बात कर सकते हो। और इसमें एक एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें अगर आपके पास किसी का नंबर हो और वो नंबर किसका है ये आपको ना पता हो तो ये एप्लीकेशन आपके लिए उसकी डिटेल्स ढूंढ के निकालता है। अरे वाह, ये अच्छा है। क्या? और कोई अनजान नंबर से कॉल आए तो उसका नाम और वो कहाँ से फोन कर रहा है वो भी पता चल जाता है। ऐसे कैसे? अरे तो आई, आप कोई भी नंबर बोलो। 5। असल है आई, आप अपने किसी दोस्त का नंबर बोलो जिसका नंबर मेरे फोन में नहीं। हाँ हाँ सो नंबर 9293551। आई, ये आपकी पूना वाली फ्रेंड नीला आंटी का नंबर है ना? ओ, चमत्कार से जादू है, जादू। ओ नो, अरे ऐसे तो इसमें इतने एप्लीकेशन है कि पूछो ही मत। हाँ सच्ची हाँ, इतने टाइम में बच्चों ने हमें कितना कुछ सिखा दिया ना। बोला हमारे पास कितने टाइम से मोबाइल फोन था पर हम सिर्फ बात करने में ही उसका यूज करते थे। और ज्यादा से ज्यादा SMS। हाँ यार, यू आर राइट। अरे मेरे जौनपुर वाले चाचा जी, उनके साथ मेरी बातें तो होती रहती है लेकिन वीडियो कॉलिंग की वजह से कितने सालों बाद हमने एक दूसरे को देखा। मोबाइल बेटा, इतने दिनों बाद तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे सामने ही बैठी हो बेटा। मुझे भी। अच्छा चाचा जी, ये तो गोली बेटवा का नया फुलवा है। अच्छा, उसी ने मुझे सिखाया वीडियो कॉलिंग करके बात करने। बहुत अच्छी बात। और चाची जी कहाँ है? तुम्हारी चाची मंदिर गई है बेटा, आएगी तो मैं तुमसे जरूर बात करवाऊंगा। हाँ हाँ जरूर। और बताओ, हमारे जमी बाबू और गोली बेटा कैसे हैं? दोनों बाप बेटे खा पी के मस्त राम। अच्छा बेटा, हमें काम है, हम फोन रखते हैं। क्या मजा आया। बराबर, मोबाइल सच में आशीर्वाद समान है। उस दिन मैं बांधने की साड़ी लेने गई थी तो पता है क्या हुआ? क्या? अरे टपू के पापा, चाय कैसी है? दाल फ्राई जैसी। कैसा सवाल पूछ रही है दया, चाय तो चाय जैसी होगी ना। टपू के पापा, मेथी थेपला कैसे है? अरे हाँ, मैं भी ना, मेथी थेपला तो मेथी थेपला जैसे ही होगा ना। ये रख दे, बाल बिगाड़ दिया सब। सॉरी। अभी सीधा सीधा बोल, काम क्या है? वो टप्पू के पापा, बांधने की साड़ी की सेल का आज आखिरी दिन है। हाँ तो ऐसा बोलना डायरेक्ट, तो जा जाके 10-15 साड़ी ले ले। 10-15 साड़ी? थैंक यू। टप्पू के पापा, आपको पता है ना मैं आपकी पसंद की बिना साड़ी नहीं लेती। दया, आज मैं तेरे साथ नहीं आ सकता, दुकान में बहुत काम है मुझे। ले चलिए ना, मेरी पसंद में गड़बड़ हो जाती है, आपकी पसंद A1/10 होती है। भी मस्के मत मार, मेरी कौन सी पसंद तुझे अच्छी लगी? ला, अरे शादी के लिए आपने मुझे पसंद किया। ए होशियार, भी मजाक बंद कर, चल मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे भाई, ये तो अभी मोबाइल वोबाइल रख दे, किताब हाथ में ले और जरा ढंग से बैठ। ये क्या चतरे की तरह बिछ जाता है? हाँ हाँ पापा। तू इसको कुछ बोलती नहीं है दया? तो बेटा सीधा बैठ। मम्मी मैं सीधा ही तो बैठा हूँ। सॉरी। पढ़ाई कर। मम्मी पापा तुम्हारे साथ नहीं आएंगे फिर भी तुम पापा के पसंद की साड़ी खरीद सकती हो। कैसे? टप्पू के मोबाइल की मदद से। मोबाइल की मदद से? मम्मी ये साड़ी तुम्हें पसंद है? हाँ मुझे पसंद है, लेकिन पता नहीं तुम्हारे पापा को पसंद आएगी कि नहीं। एक मिनट मम्मी, यहाँ देखो, मैं स्माइल करो। मम्मी मैंने ये फोटो पापा के मोबाइल पे भेज दी है,
अभी तुम पापा को फोन करके पूछो कि ये साड़ी लेनी चाहिए कि नहीं। हाँ हाँ बेटा। ओ बेटा, ये फोन में ये सब भी होता है? हाँ हाँ मम्मी, पिछले महीने भी सेठ जी। हेलो घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ टप्पू के पापा, मैं यहाँ बांधने की साड़ी लेने आई हूँ, आप क्या कर रहे हो? दया मैंने तुझे बोला ना मैं नहीं आ सकता, मुझे दुकान में बहुत काम है भाई, मुझे जो पसंद आए साड़ी वो ले लेना। टप्पू के पापा, आपकी पसंद वो मेरी पसंद। मम्मी एक मिनट। हेलो पापा, टप्पू यार, मैंने आपके मोबाइल पे मम्मी को जो साड़ी पसंद है ना उसका फोटो भेजा है, आप देखो मम्मी को ये साड़ी लेनी चाहिए कि नहीं। टप्पू के पापा, साड़ी देखी कैसी है? ठीक है। कह रहे ठीक है। एक मिनट। हेलो पापा, मैं आपको और फोटो भी भेज रहा हूँ, उसमें से आप सिलेक्ट करो कि मम्मी को कौन सी साड़ी खरीदनी चाहिए। एक मिनट नटू काका। टेक योर ओन टाइम सेठ जी। लेकिन ये टप्पू ने तो कितने सारा फोटो भेज दिए भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेठ जी, मैं आपकी मदद करूं? या भाई, बांधनी की साड़ी पसंद करनी है, कोई मोबाइल रिपेयर नहीं करना है, तुझे समझ में नहीं आएगा। सेठ जी, आपको पता नहीं होगा लेकिन मैंने एक साल तक मंगलदास मार्केट में साड़ी की दुकान में काम किया है। यस सेठ जी, बागा इज वेरी वेरी राइट, आप उसे फोटो दिखा दीजिए, वो फटाफट साड़ी पसंद कर देगा। दया को मेरी पसंद की हुई साड़ी खरीदनी है, बागा की पसंद की हुई साड़ी नहीं। ओह बागा, दिस टाइम सेठ जी इज वेरी वेरी राइट। कोई बात नहीं नटू काका, मैं अपना साड़ी का ज्ञान किसी और दिन बांटूंगा। यस, सेव इट फॉर फ्यूचर। से शांति। टप्पू के पापा, आपको कोई साड़ी पसंद आई कि नहीं? अरे एक मिनट, देख रहा हूँ भाई। टप्पू के पापा, आप जल्दी साड़ी पसंद कीजिए, या तो पर भुजिया की तरह साड़ी बिक रही है। हाँ भाई शांति रख, जरा बता रहा हूँ। तो इस तरह टप्पू के पापा को टप्पू ने साड़ी की फोटो भेजी और टप्पू के पापा ने बोला दुकान में बैठे बैठे मेरे लिए बांधनी की साड़ी पसंद की। अरे बात है भाभी। लेकिन एक बात है, बच्चों के हाथ में जब से मोबाइल आया है ना, तब से उनकी कंपाउंड में खेलने की आवाज आनी तो बंद ही हो गई। हाँ एक्चुअली हाँ, ये मात्रा अगदी बरोबर है, पूरा दिन मोबाइल पर ही चिपके रहते हैं ऐसे, और इसी की वजह से पढ़ाई लिखाई भी कम हो गई है। खरे खरा, जैसे बिल्ली के गले में घंटी लटकती रहती है ना, वैसे इन लोगों के गले में मोबाइल लटकता रहता है। और घंटी बजती ही रहती है। लो आ गई सेना। बोले होमवर्क हो गया ना? मम्मी बाद में होमवर्क कर लूंगा मैं। अरे? बाद में? नहीं नहीं, अब भी होमवर्क करो, जाओ। आंटी हम लोग बाद में पक्का होमवर्क कर देंगे। पक्का पक्का। हाँ, बच्चा देखा देखा मैंने देखा था ना। हाँ एक मिनट भी नहीं रह सकते मोबाइल के बिना। ये चल बंटी को डराते। पर बंटी को डराना क्यों है? क्योंकि रोज स्कूल में वो मेरा टिफिन चुरा लेता है। हाँ उसे तो डराना ही चाहिए, सबको परेशान करता है। तो हाँ लेकिन गोली तो डरेगा कैसे? तू खुद देख लेना। ठीक है। स्पीकर। हेलो हेलो बंटी, सीधे नरक से भूत बोल रहा हूँ। क्या भूत? अगर फोन काटा तेरे फोन से निकल कर तुझे खा जाऊंगा। भूत भाई, ये आपके साथ और कौन है? मेरे दोस्त हैं। क्यों भूत के दोस्त नहीं हो सकते? और हमारे साथ एक भूतनी भी है। कैसे हो बंटी? सुना भूत भाई, आप मुझे ऐसे फोन करके क्यों डरा रहे हो? तुझे क्या फर्क पड़ता है, इसलिए तो इनकमिंग कॉल्स फ्री है ना, और तुझे अच्छा इंसान बनाने की ट्रेनिंग देनी है। बहुत अच्छा इंसान बनने की ट्रेनिंग देगा? बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा है,
अभी तेरे मोबाइल से बाहर निकल कर तुझे डराता हूँ। नहीं नहीं सॉरी बुद्धा, मुझे कल क्या करना है? तुझे कल स्कूल में सारे बच्चों को चॉकलेट देनी होगी, और स्पेशली वो गोली को, उसे 10 चॉकलेट देनी होगी। समझ गया बुद्धा, समझ गया। चल अब सो जा बंडी, मुझे भी बहुत नींद आ रही, नहीं तो तेरे मोबाइल से बाहर निकल कर तुझे डराऊंगा। गुड नाइट, गुड नाइट। टप्पू बंटी को फिर से डराना है? नहीं 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 नहीं, अगर उसे पता चल गया तो? अरे सोनू, उसे कैसे पता चलेगा, वो ये नंबर भूत का ही समझता है ना। तू फोन कर, फोन कर, फोन कर। हाँ। हेलो बंटी, मुझे नींद नहीं आ रही है इसलिए वापस फोन किया है। मैं तुम्हारा भयानक दोस्त भूत बोल रहा हूँ। क्या हुआ गोली? लगता है बंटी के पापा ने फोन उठाया था। वही तो पापा को भी डरा लेता। अरे अभी क्या करूं टप्पू, फंस जाऊंगा यार। कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, तू फोन स्विच ऑफ कर। मोबाइल मोबाइल मोबाइल, ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना शांति से सोते हैं, पूरा दिन गेम्स, एसएमएस या तो बातें करते रहते हैं। फिर तो भाई कितना बिल आएगा? वो गड्डी लिया तो उसमें पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा ना। मैंने तो गोगी पुत्र को बोल दिया है भाई, 500 रुपए से ऊपर का बिल आया तो गड्डी बंद। गड्डी? मोबाइल बंद? हाँ। सच में ये बच्चों को मोबाइल दिलाकर बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या करें मेहता साहब, बच्चों से मोबाइल वापस छीन ले? नहीं नहीं जेठालाल, ये तो और बड़ी गलती हो जाएगी, बच्चे विद्रोह पे उतर जाएंगे। असल में मोबाइल छीनने की जरूरत नहीं है, हमें उन्हें समझाना पड़ेगा और फिर मोबाइल ले लेंगे। चलो समझाते हैं, चलो। नहीं नहीं अभी नहीं। तो कभी? सही मौका आने पे समझाएंगे। और वो कभी आएगा? वेट एंड वॉच। आएगा आएगा, वो मौका भी आएगा, लेकिन फिलहाल हम सबको एक चीज समझने की जरूरत है कि बहुत देर हो चुकी है और अभी हमें घर चलना चाहिए। हाँ, हाँ, मुझे दोबारा भूख लगने लगी। चलो भाई अब्दुल, गुड नाइट भाई। आई जॉनी, हमारे हस्बैंड लोग भी आ गए। अरे चलो हम लोग जाते हैं, वरना फिर से कहेंगे हम लोग कितनी बातें करते हैं। करो करो, फिर से। गोकुलधाम में मोबाइल का तूफान थमा भी नहीं था कि आंधी की तरह कौन आ गया। कौन है ये 6 फुट लंबा चौड़ा आदमी जिसे देख के सबको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हवा में पत्ते बिखर जाते हैं वे भी बिखर जाएंगे। भाई कार लोन वाले, होम लोन वाले, क्रेडिट कार्ड वाले, इस तरह के लोग आपको ज्यादा नहीं चाहिए होते ना जिंदगी में, लेकिन ये लोग फोन करने से बाहर नहीं आते। कतराते हैं आप लोग इनसे, लेकिन ये चले ही आते हैं आपकी जिंदगी में। ठीक वैसे ही हमें मुसीबत समस्याएं नहीं चाहिए होती गोकुलधाम में, लेकिन बिना बताए चली आती है मुसीबत। अब ये जो साहब आए हैं, कहीं ये भी किसी मोबाइल की समस्या को तो लेके नहीं आए? ये 6 फुट का बादल किस पे गरजेगा, क्या होगा यहाँ, ये बिजली किस तरह से कड़केगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। और हाँ, आपके घरों में हंसी की बिजली हमेशा कड़कती रहेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।